हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है, हर हिंदुस्तानी का है। मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी है। और वो तो गाइस हम रुक गए दोस्तों, बहुत दोनों आ रहे हैं अभी, बहुत ही बारिश गिर रहा है। क्या है नो काम कर रहे क्या हमें हम तो काम कर रहे जैसे क्या सिपाही बने। मुझे तो लगता है ये फौज में भर्ती होने के लिए रेडी है। क्यों Hi guys, welcome back to my channel। तो दोस्तों आज हम जाएंगे मूवी देखने। हम कभी यहाँ सिनेमा हॉल में मूवी देख के नहीं देखा है, तो मेरे लिए आज पार्ट्स है। दो दोस्त है, वो दोनों टिकट पता है बोल के हमको बोला रहे, तो अभी हम जाएंगे देखने। तो हम देखेंगे गदर टू मूवी। मेरा एक फेवरेट ऐसा है एक्टर है, और गदर वन तो बहुत ही मज़ा था फिल्म, तो गदर टू अभी निकला है, तो गदर टू देखने जा रहे हैं अभी हम और मेरा दो दोस्त। वो दोनों अभी हमको लेने आएगा, तो क्या होता है देखते हैं सिनेमा हॉल का अंदर। हम कभी घुस के नहीं देखा है, मेरा ये पार्ट्स एक्सपीरियंस है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं मेरा पार्ट्स एक्सपीरियंस को। तो मिलते हैं वहाँ पे अभी, लेकिन बहुत बारिश है, हमको यहाँ से जाना होगा थोड़ा। तो गाइस हम रुक गए दोस्तों, बहुत दोनों आ रहे हैं अभी, बहुत ही बारिश गिर रहा है। मेरा चत्ता लाया, अभी चत्ता खराब वाला था, बहुत भीग गया, देख सकता है। ये है वॉल ऑफ हारमोनी। तो दोस्तों यहाँ से आएंगे अभी, तो टाइम हुआ है अभी 9:54, हमारा मूवी स्टार्ट होगा 10 बजे को। पेंटालॉन चलते हैं उससे, तो हम तीनों जा रहे हैं। अकेला करो क्या मिला जाके देखेगा मूवी गदर टू पोस्टर का मांगी। हम देखेंगे ये मूवी गदर टू। तो एंट्री पॉइंट जाएंगे अंदर। तो गैस हम एंट्री कर रहे हैं अभी, कभी नहीं गए, अभी शुरू हो रहे हैं। और इसके अंदर है विभाजन हुए गदर में। हिंदुस्तान ने काटना हमसे सीखा। एक घर तारा सिंह और सकीना का भी था। हमारे लोग, हमारा वतन है पाकिस्तान। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, गजवाए हिंद। मेरे भाई बहन सबको मार दिया तुम्हारे लोगों ने वहां दिल्ली में। हमारी चार पीढ़ियों ने तुम्हारा मुल्क
हाँ जी भाई तेरे मुंह विच खंड पावा ले जा तू संदेशा मेरा। क्या नाम है तुम्हारा? तारा। दुश्मन की मोटर्स और राइफल्स आग उगल रही है, फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? आप लोगों को शैलिंग से बचते हुए एम्बुलेंस को ऊपर राम टेकड़ी पर पहुंचाना है। डरोगे तो नहीं? साहब जी तुसी तारा सिंह नु पहचान दे नहीं, दुश्मना नु पूछो तारा सिंह कौन है। अरे भाईजान लाई, जनरल साहब ने कहा। वो जनरल साहब ने कहा था ना मिठास बांटने के लिए, तो बस वो सेवई है। ये हमारे कारिंदे हैं। ईद मुबारक। मुबारक। हम मुस्कान कुर्बान खान की बेटी। सुबेदार साहब जरा सेवैया ले लीजिए। मियाँ सेवैया दो। मेरे पास कोई कागज ना कोई पत्री और मैं कोमा में था, तो कोई मेरी खबर देता भी तो कैसे? तो गैस अभी इंटरवेल है, हम आए हैं बाहर। भाई क्या खरीद रहे? ओ भाई बियर बियर ले रहे क्या? क्या है नो काम कर रहे क्या? हमें हम तो काम कर रहे थे।
मुसीबतें औकात से ज्यादा बढ़ जाए ना तो तबाही के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। जवानों को मार कर गया था ना तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। जनरल साहब, मेरे बेटे वो बेकसूर है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरी लड़ाई हर हिंदुस्तानी से है। बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमानों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है, हर हिंदुस्तानी का है। मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी है, और वो मेरे बोलने से क्या, अगर मैंने मुर्दाबाद का नारा भी लगा दिया ना तो मेरे मुल्क की शान कम नहीं होगी। हमारा तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, वो लहराता ही रहेगा। अगर हर पाकिस्तानी ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगाया ना तो उनकी आवाज हमारे बॉर्डर तक भी नहीं पहुंचेगी। और अगर हर हिंदुस्तानी ने जिंदाबाद का नारा लगाया तो उसकी आवाज की गूंज तुम सबको फाड़ देगी। मेरी फैमिली है, मेरा एक छोटा बच्चा है, तुम तो जानते हो, प्लीज प्लीज। अरे उन परिवारों का क्या जिन्हें तूने बच्चों समेत मार डाला। मेरा परिवार भी मारा था तुम लोगों ने बंटवारे में। अरे बंटवारे की आग में न जाने कितने परिवार जल गए। वो एक हादसा था जिसे हम सब भूल गए हैं, लेकिन तुमने उस हादसे का फायदा उठाया। उस हादसे के बहाने से, अपने मजहब के बहाने से लोगों की गर्दनें काटी है। इधर कुरान शरीफ। कौन थे सब्जेक्ट उपजिया? बाबा नानक जी ने भी तो यही कहा है ना। जय बाबा नानक जी की गल तेरे पल्ले पे हुंदी ना,
तो तू लोगों को गले लगाता, उनकी गर्दनें नहीं काटता। बोल तुझे जिंदगी चाहिए या मौत? कुरान शरीफ या भगवत गीता? चलता ना तो जज्बा हिंद नहीं, जज्बा हिंद की बात करता और दुनिया एक जन्नत होती। पे समा बोटा है, ये रो गया थोड़ा, इमोशनल हो गया। अच्छा था, जो भी बोलो। कैसा लगा है? जो भी बोलो, बहुत बढ़िया लगा। आपको सर कैसा लगा है? बढ़िया है गदर। कुछ कुछ सीन, कुछ 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 सीन जो बहुत अब बहुत सब फूल था, अभी सब चला गया। हम लोग थोड़ा रुके। काके सर कैसे लगा फिल्म? दिल चुरा था क्या? फिल्म तो मस्त था। ए मूवी कैसे लगा है? गदर गदर तो बढ़िया है, हमारे को भी देखना चाहिए। तो गाइस हमको बहुत मजा लगा है मूवी गदर, तो आप लोग भी देखने आइए। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो बहुत ही अच्छे से बना दिया गाड़ी पार्किंग जगह। यहाँ है आधा, तब हम जाएंगे घर। कागज भाई तुम बोला टाइम अभी टाइम हो गया 1:12, तो हम जाएंगे अभी घर। ओके